हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ साबूदाना खिचड़ी। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप साबूदाना। इसमें डालना है 1 गिलास पानी और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। साबूदाना खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाना रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने गैस के ऊपर कढ़ाई रखा है गरम होने के लिए। गरम हो चुका है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा तेल, जीरा और मोरी। कट किया हुआ लहसुन, कड़ी पत्ता, इन सबको एक बार फ्राई कर लेना है। उसके बाद डालूंगी हरी मिर्च, प्याज, इन सबको थोड़ी देर के लिए पका लेते हैं। आलू और टमाटर को भी डाल देती हूँ। इन सबको एक बार मिला लेना है। इसके बाद डालूंगी 1 स्पून सॉल्ट, 1 स्पून कोरिएंडर पाउडर डाल के मिक्स कर लेना है। इसके बाद साबूदाना को भी डाल देना है और एक बार अच्छे से मिला लेना है। लास्ट में डालूंगी फ्राई किया हुआ मूंगफली। और कोथिंबीर को भी डाल देती हूँ। साबूदाना खिचड़ी बनकर रेडी है। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा तो घर में एक बार जरूर ट्राई करें। साथ में लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए अमेजिंग रेसिपी के साथ।